हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम विजय है और मैं नियमित रूप से फाइनेंशियल लिटरेसी पर वीडियो लेकर के आता रहता हूँ। मेरा ब्लॉग है, मेरा फेसबुक प्रोफाइल है। मैं इन सब जगहों पर नियमित रूप से इन्वेस्टमेंट को लेकर के अवेयरनेस बढ़ाता रहता हूँ। जिस किसी को भी फाइनेंशियल लिटरेसी पसंद है, कुछ पैसे के बारे में जानना चाहता है, कुछ समझ बढ़ाना चाहता है और आगे कुछ करना चाहता है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस मुहिम में शामिल होने के लिए हमारे पठन वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए ज्यादा ज्यादा, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। तो आज मैं जिस विषय पर चर्चा करना चाहूंगा, माय द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। ये बुक है, द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, बेंजामिन ग्राहम की किताब है। और ये पुस्तक जो है इन्वेस्टमेंट के क्षेत्र में सबसे इंपॉर्टेंट पुस्तक मानी जाती है, सबसे अच्छी, सबसे इंपॉर्टेंट मानी जाती है। लेकिन अफसोस ये है कि ये इतने पुराने जमाने में लिखी गई थी, इतना भी इसका बोझिल इंग्लिश है कि सबके लिए समझ पाना बहुत ही कठिन है। स्पेशली मेरे लिए समझ पाना और भी कठिन है, क्योंकि मैं थ्रू आउट हिंदी मीडियम का स्टूडेंट रहा, तो इंग्लिश मेरे लिए बहुत ही टफ। इजी जो आसान इंग्लिश होती है वो तो समझ में आ जाती है, जो टफ इंग्लिश होती है मुझे समझ नहीं आती है। तो इसकी इंग्लिश बहुत ही टफ है, फिर भी मैंने इसको पढ़ने समझने की कोशिश किया, कुछ समझ में आया, कुछ समझ में नहीं आया। मुझे लगता है कि शायद 15-20% पढ़ा होगा, कहीं के चैप्टर बीच बीच करके वो भी नहीं मैं पढ़ पाया। फिर भी कभी कभार कोशिश करता हूँ बीच बीच में पढ़ने का, बहुत ही बेहतरीन है। और इस पुस्तक को मैंने सबसे पहली बार खरीदा था। कब खरीदा? देखिए, इसमें बिल मेरा पड़ा हुआ है। इस पुस्तक को मैंने खरीदा था, अब यकीन नहीं मानेंगे, 2014 में, 7 सालों बाद मैं इस किताब को फिर सोचा। मैं इसको हिंदी में, इस किताब को पढ़ना चाहता था, इंतजार कर रहा था, और फिर मुझे मिल गई एक हिंदी में ये किताब, द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, ER साकिब आलिम के नाम से किताब, इंडिया किताब। मैं इस किताब को मैंने ऑर्डर कर दिया फ्लिपकार्ट पे, आया तो मराठी में आया, फिर मैंने इसको वापस किया, फिर मुझे हिंदी में, और हिंदी वर्जन पढ़ने के बाद मुझे इतना गुस्सा आया इस अनुवाद व्यक्ति को, क्या फिर भी, क्योंकि ये जो है जैसा लगता था कि इन्होंने क्या किया है कि जो कंटेंट है बेंजामिन ग्राहम के, गूगल ट्रांसलेट पर डाला है पूरा, उसी को दिया। फिर भी इन्होंने काफी चीजें कोशिश किया समझाने के लिए। यदि आप इस पुस्तक को पढ़ते हैं, कभी कभार गुस्सा तो आएगा, लेकिन बहुत कुछ नॉलेज नहीं मिलेगा, कुछ ना कुछ आपको ये पुस्तक भी दे जाएगा। तो ये इस पुस्तक को भी मैं बहुत ज्यादा नहीं किया। फिर मैं इंतजार करता रहा कि इस किताब को सुधीर दीक्षित, सुधीर दीक्षित जो कि मंजिल प्रकाशन के मोटिवेशनल बुक के बहुत अच्छे अनुवादक हैं, उनकी जो भी पुस्तकें हैं आप अनुवादित पुस्तकें उनको पढ़िए, एहसास ही नहीं होता है कि पुस्तक जो है इंग्लिश का अनुवाद है, बहुत ही आसान। तो पिछले महीने, ये अगस्त सितंबर महीने में ये आया इसका हिंदी वर्जन, सुधीर दीक्षित। जैसे ही मैंने देखा कि कमिंग सून, मैंने इसको ऑर्डर, मैंने पढ़ा, यकीन मानिए यह अनुवाद भी स्तरीय अनुवाद नहीं है, बहुत ही क्लिष्ट हिंदी अनुवाद किया गया है। अब हमको इस ये है कि अब इस पुस्तक को मैं पढ़ने बैठता हूँ तो अब दोनों को लेकर बैठ के पढ़ना पड़ता है, इंग्लिश को भी हिंदी को भी। इंग्लिश में जो हिंदी में दिक्कत आती है, फिर इंग्लिश में पढ़ना पढ़ना शुरू करता हूँ, और इंग्लिश में कोई दिक्कत आती है तो हिंदी में पढ़ना शुरू करता हूँ। तो इन दोनों को मिलाने के बाद एक प्रॉपर पिक्चर निकल करके आती है, कुछ काफी चीजें समझ में आती है, स्पेशली जो हम हिंदी मीडियम के स्टूडेंट रहे हैं उनके लिए। तो आज हम इसी पुस्तक के बारे में चर्चा करें, बहुत ही बेहतरीन पुस्तक है। इस पुस्तक को पढ़ने के लिए लगता है नहीं नहीं तो भी मैंने लगभग 2,000 रुपये खर्च किए हैं। मैं शुरुआत करूंगा एक एक चैप्टर करके इसके बारे में, किताब के बारे में बताऊंगा। तो आज मैं इस किताब के परिचय के बारे में बात करूंगा। ये पुस्तक जो है जिन नियमों और सिद्धांतों के बारे में बात करती है, यदि उस पर चला जाए तो निस्संदेह हमको जो नतीजे प्राप्त होंगे बहुत ही बेहतरीन नतीजे प्राप्त होंगे। कभी कभार जो हमने रिटर्न के लिए अपेक्षा की होगी उससे भी अधिक रिटर्न प्राप्त होगा इस पुस्तक के पढ़ने। पुस्तक के पढ़ने के बाद मतलब कि कहते हैं कि नॉलेज विदाउट एक्शन खराब, मतलब कुछ भी नहीं होता। तो नॉलेज लेना है तो उसको हमको आपको एक्शन लेना है, तभी हमको आपको प्रॉफिट मिलेगा। दूसरा, किताब यह कहता है कि निवेश के क्षेत्र में बड़ी सफलता प्राप्त करने के लिए बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होने की जरूरत है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ज्यादा स्मार्ट होने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल जो IQ होता है उसकी भी जरूरत नहीं है। क्योंकि इस फील्ड में यदि आप इस पुस्तक को पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि इस पुस्तक में आइजेक न्यूटन और E=MC² की जो प्रणेता है आइंस्टीन, वो भी इन्वेस्टमेंट के मामले में फेल कर रहे हैं।
तो जब उस जैसा भारी भरकम व्यक्तित्व, गणितज्ञ, साइंटिस्ट, फिजिक्स भौतिक शास्त्र का विद्वान यदि विफल हो सकता है तो हमारे अर्थ क्या होगा। तो इसमें क्या है कि बहुत बड़ा आईक्यू होने की आवश्यकता नहीं है। क्या होने की जरूरत है? एक सामान्य सी बिजनेस की समझ होनी चाहिए। कौन सा बिजनेस चल रहा है, कौन सा बिजनेस चलेगा, किस बिजनेस का भविष्य अच्छा है, यदि हम इसकी समझ रखते हैं और हमारे अंदर निर्णय लेने की क्षमता होती है, अपने भावनाओं पर कंट्रोल करने वाला होना चाहिए और अनुशासन रखें, धैर्य, अनुशासन, अपने इमोशन पर कंट्रोल और निर्णय लेने की क्षमता, यदि ये तीन चार चीजों को हम अच्छे से समायोजित कर देते हैं तो जो व्यक्तित्व निकल करके आता है वो एक बुद्धिमान निवेशक होता है, जो एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर की बात भी करते हैं। इसके बाद जो ये इन्वेस्टमेंट एक तरीके बताते हैं, एक बहुत ही कोई नया तरीका नहीं है, इस तरीके को हम लोग जानते हैं, लेकिन होता क्या है कि जब ये पुस्तक लिखी गई थी उससे पहले कोई इन्वेस्टमेंट की तो पुस्तक ठीक से लिखी नहीं गई थी, या यूं कहें कि बिल्कुल लोग साधारण तरीके से इन्वेस्टमेंट किया करते थे। लेकिन बेंजामिन ग्राहम के आने के बाद उन्होंने एक इन्वेस्टमेंट सिस्टम को बनाया, कहा कि कैसे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, और इनके लिखने के बाद आज के डेट में पूरी दुनिया में जो है एक इन्वेस्टर थिंकर के रूप में जाना जाता है। सबसे बड़े दुनिया के इन्वेस्टमेंट थिंकर होते हैं उनमें शुमार होता है बेंजामिन ग्राहम का। यहां तक कि जो मार्केट के दिग्गज निवेशक हैं मिस्टर वॉरेन बफेट, वो भी इस पुस्तक का मानते हैं कि बेंजामिन ग्राहम उनके गुरु है, और वो भी इस पुस्तक को फॉलो करते हैं। और इवन यदि आप इस पुस्तक को पढ़ेंगे तो इस पुस्तक के शुरुआत में ही उन्होंने इसके बारे में एक संक्षिप्त नोट लिखा हुआ है वॉरेन बफेट के बारे में। उन्होंने लिखा है कि इस किताब के बारे में क्या क्या कैसे करते हैं। तो वॉरेन बफेट कहते हैं यदि जो सिद्धांत, जो नियम इस किताब में बताई गई है उसको हम फॉलो करते हैं तो निस्संदेह हम बड़ी सफलता प्राप्त करें। क्यों? क्योंकि ये जो पुस्तक है लंबे अनुभव की बात की, यदि आप बेंजामिन ग्राहम के बारे में पढ़ेंगे कम से कम 40-50 साल का अनुभव होने के बाद ये पुस्तक लिखी। अब पुस्तक आई कब है? 1974। बताइए यानी आज की डेट में तुलना किया जाए तो लोगों 50 साल पुरानी ये पुस्तक हो चुकी है एनालिटिकल इन्वेस्टर, और आज भी लोगों में बड़े चाव से पढ़ी जाती है, लेकिन इतना बोरिंग है ये, इतना शिथिल है, इतना क्लिष्ट इंग्लिश है, इस सबके समझ में नहीं। जो बड़े बड़े दिग्गज निवेशक होते हैं उनको समझ नहीं, हमारी आपकी तो बात ही रहा, लेकिन फिर भी पढ़ना चाहिए। भाई सवाल ये है कि जब हम पढ़ते हैं तो उसका 10% भी लेकर के आते हैं ना, तो 10% भी जीवन परिवर्तन करने को पर्याप्त। क्या चीज पुस्तक को क्या पढ़ जाएगा, क्या हमको रामबाण हमारे लिए बन जाएगा, हम नहीं करते, पढ़ना चाहिए, जो भी थोड़ा सा मिले उसको ग्रहण करना चाहिए। तो बेंजामिन ग्राहम के बारे में थोड़ा सा जानते समझते हैं कि बेंजामिन ग्राहम का जो जन्म हुआ था 1894 में, 9 मई 1894 को लंदन में हुआ था, और इनका जो बचपन का नाम रहा, इनका नाम रहा था बेंजामिन ग्राहम बाम, बाद में इन्होंने बेंजामिन ग्राहम नाम चेंज किया है। और जो इनके पिता थे और चीनी मिट्टियों, जो चीनी मिट्टी के बर्तन और मूर्ति बनाया करते थे, 1903 के आसपास ये यूएसए में ट्रांसफर हो जाते हैं, यूएसए में अपने पिता के साथ यूएसए में चले जाते हैं, और वहां पर पिता का जो है अच्छा कारोबार चलता है मिट्टी और चीनी मिट्टी वगैरह उसका। फिर होता क्या है कि समय के साथ उनका बिजनेस खराब होता है और पारिवारिक स्थितियों में बदलाव आता है, और ऐसा होता क्यों है, माफ करिएगा मैंने गलत बता दिया, 1894 में इनका जन्म हुआ था और जब ये 1 वर्ष के थे तभी ये यूएसए में चले गए थे, और 1903 में जो है इनके पिता का निधन हो गया। मैंने थोड़ा सा आंकड़ा गलत बता दिया, लिखने में पढ़ने में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया। तो 1903 में इनका परिवार जो है, इनके परिवार में पिताजी का निधन हो गया, और जैसे ही इनके पिताजी का निधन होता है इनका कारोबार खराब होता है और इनका परिवार गरीबी में चला जाता है। अब सोचिए कि गरीबी में चला जाता है, इनकी माँ जो होती है अपने घर को बोर्डिंग हाउस में बदलती है, बोर्डिंग हाउस मतलब की जहाँ से लोग रुकते हैं, किराया वगैरह पे करते हैं, कमाई होती है। और इनकी माँ ने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट के लिए काफी धन उधार लेती है, जो कि 1907 में मार्केट में भयंकर गिरावट आती है और उनको पूरा जो वेल्थ होता है साफ हो जाता है, यानी नुकसान होता है। इस नुकसान के चलते, इस संकट के चलते इनको काफी अपमान सहना पड़ता है बैंकर द्वारा, जो भी उनके
जहां जहां से उन्होंने कर्ज ले रखे थे, उन सब द्वारा जो टिप्पणियां की जाती थी, टिप्पणियां बहुत ही खराब और अपमानजनक थी। बेंजामिन ग्राहम को कुछ समय बाद जो होता है कोलंबिया विश्वविद्यालय में स्कॉलरशिप मिल जाती है, वहां पढ़ने जाते हैं और वहां पर जो कॉलेज के टॉपर होते हैं सेकंड पोजीशन प्राप्त करते हैं। जब सेकंड पोजीशन प्राप्त करते हैं 1914 के आसपास, उनके कॉलेज की तरफ से उनको उसी कॉलेज में लेक्चरशिप के लिए या पढ़ाने के लिए प्रस्ताव दिया जाता है इंग्लिश फिजिक्स, इंग्लिश फिलोसफी और मैथ, यानी कि अंग्रेजी, दर्शन शास्त्र और गणित, ये तीन विषयों को पढ़ाने के लिए इनको अवसर दिया जाता है। लेकिन ये उस प्रस्ताव को ठुकरा देते हैं और अपना जो करियर होता है वो स्टॉक मार्केट को चुनते हैं और वॉल स्ट्रीट को चुनते हैं और शुरुआत में एक बॉन्ड जो ट्रेडिंग फॉर्म होती है उसमें क्लर्क का काम करते हैं और धीरे धीरे वहां से वो इन्वेस्टमेंट के स्कीम को समझते हैं और जो भी फंड मैनेजर के जो भी इन्वेस्टमेंट के तरीके होते हैं उसको जानने की कोशिश करते हैं और धीरे धीरे उनका स्किल डेवलप होने जाता है और एक अच्छा खासा वो वेल्थ क्रिएट करते हैं। फिर 1930 की महान मंदी आती है। 1930 की महान मंदी, मित्रों यदि आप कभी इकोनॉमिक्स पढ़ें तो पता चलेगा कि बहुत बड़ी मंदी थी 1930 की। 1930 की मंदी जो पूरे दुनिया में ये अर्थशास्त्र बदल जाता है। जॉन मिलॉर्ड किन्स की उत्पत्ति होती है। जॉन मिलॉर्ड किन्स ने एक इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट प्रिंसिपल दिया कि पूरे दुनिया की अर्थव्यवस्था बदल गई। उसके पहले क्लासिकल अर्थशास्त्रियों का दौर चला करता था जो मानते थे कि पूर्ति जो है अपना मांग डिमांड कर लेती है। इनका मतलब होता है कि आप जितना चाहे उतना प्रोडक्शन करिए वो सारा खपत हो जाता है। लेकिन बाद में संकट आया जिस वजह से ये 1930 की महान मंदी आई और इनका 70% जो फंड था वो कम हो गया। कम होने के बाद इन सभी चीजों ने उनको बहुत कुछ सिखाया और इस तमाम जो मार्केट में इनके जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं उस उतार चढ़ाव के दौरान वो मार्केट के अच्छे वेल्थ क्रिएटर के रूप में जाने गए और जो उन्होंने रिटर्न प्राप्त किया वो प्राप्त किया 14.7% के CAGR से 10 साल ग्रो किया, जबकि मार्केट का उस दौरान जो औसत रिटर्न था 12.2%। तो इन्होंने मार्केट को मतलब अल्फा जनरेट किया अपने। फिर जब एक अनुभव के बाद उन्होंने किताब लिखी, जब 40-50 साल के अनुभव के बाद तब ये किताब मार्केट में आती है। वो कहते हैं कि जो अब आते हैं उनके जो इन्वेस्टमेंट जो सिद्धांत बताए हैं उस सिद्धांत पर हम आते हैं। तो कहते हैं कि रिटर्न जो कोई भी इन्वेस्टर होता है जो उसको रिटर्न मिलता है वो कई फैक्टर से निर्धारित होता है। नंबर वन पे मुद्रा स्फीति, दूसरा होता है रिस्क, तीसरा होता है लिक्विडिटी और तीसरा होता है निवेश का अवधि, हम कितने समय तक निवेश करते हैं। मुद्रा स्फीति हम जानते हैं, मुद्रा स्फीति जो है महंगाई बढ़ने की दर होती है। सामान्यतः जब देखा जाता है किसी देश में मुद्रा स्फीति बहुत अधिक होती है तो मार्केट करेक्शन लेना शुरू करता है, जब नीचे होता है तो आदमी उसमें इन्वेस्टमेंट प्रारंभ करता है। उसी तरह से रिस्क, जोखिम लेने की क्षमता, लिक्विडिटी, हम अपने पास कितना अधिक धन रखने को तैयार रहते हैं, कितना अधिक उस धन को त्याग करने को तैयार रहते हैं, फिर कितने समय तक हम पैसे को निवेश करते हैं उसको निवेश अवधि कहते हैं। वो कहते हैं बेंजामिन ग्राहम कि एक बार जीत से बेहतर है लगातार जीतते रहना। फॉर एग्जाम्पल तौर पर आज के डेट में हम बात करते हैं तो किसी से बात की तो ट्रेडिंग में जो हम क्या करते हैं कि एक दो ट्रेड में हम लोग जीत जाते हैं, अच्छा वेल्थ क्रिएट कर जाते हैं, लेकिन बाकी जो ट्रेडिंग में हमारा खराब होने लगता है। तो हमको एक दो सौदे पर नहीं करना है, पैसा कमाना और पैसा कमाते रहना दोनों अलग अलग चीजें हैं। बेंजामिन ग्राहम कहते हैं कि हमको एक बार नहीं जीतना है, हमको बार बार जीतना है, लगातार जीतते। जब हम लगातार जीतते जाते हैं तब कहीं जाकर के हम एक अच्छे इन्वेस्टर होते हैं और एक बड़ा वेल्थ क्रिएट करते हैं। एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर जो होता है, एक बुद्धिमान जो निवेशक होता है वो लगातार जीतता है, लगातार जीतता है। हारना उसके मतलब कि भाग्य में कह लीजिए या कर्म में नहीं होता है। यह पुस्तक जो है निवेश के लिए है, ट्रेडिंग के लिए नहीं। ट्रेडिंग का मतलब होता है, आप इस किताब को पढ़ेंगे तो ये किताब जो है बताती है कि स्पेकुलेशन क्या होता है, इन्वेस्टमेंट क्या होता है। स्पेकुलेशन मतलब कि जो व्यक्ति स्टॉक के प्राइस को देख करके निर्णय लेता है, उससे आने वाली उतार चढ़ाव का फायदा लेना चाहता है वो स्पेकुलेटर होता है, वो ट्रेडर होता है। उसको निवेश के मतलब कंपनी का फंडामेंटल से बहुत ज्यादा समझ नहीं होता है। और इन्वेस्टर क्या होता है, इन्वेस्टर जो होता है कंपनी के बिजनेस को समझता है, देश की अर्थव्यवस्था को समझता है
वर्ल्ड इकोनॉमी का अध्ययन करता है, कंपनी के पूरे आय व्यय, उसके बिजनेस में कितना पोटेंशियल होता है उसका विश्लेषण करता है, उसके उपरांत निर्णय लेता है। तो ये जो पुस्तक है वो ट्रेनिंग के लिए नहीं है, ये इसके लिए इन्वेस्टमेंट, हम यदि लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं तो उसके लिए। और यदि इसमें हम बताए गए तरीकों को इस्तेमाल करते हैं, ज्ञान का इस्तेमाल करते हैं, तो हम निश्चित तौर पर बड़े प्रॉफिट बनाएंगे और जो भी हमारे नुकसान होती है नुकसान की आशंका हमारी कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि मार्केट जो होता है दोनों अवस्था में सही होता है, दोनों अवस्था में मार्केट जो है, ये यदि आप इंडियन इन्वेस्टर को पढ़ेंगे तो इंडियन इन्वेस्टर में एक मिस्टर मार्केट का कांसेप्ट दिया गया है। मिस्टर मार्केट का अपना मूड होता है, कोई मूड अच्छा होता है कोई मूड खराब होता है, उस मूड को वो जो मूड मिस्टर मार्केट का मूड होता है वो हमारे अंगों से नहीं चलता है, हमारे भावनाओं से नहीं चलता है, उसका अपना गणित है, उसे चलता है। और जब हम उसके गणित को समझने की कोशिश करते हैं और अपने व्यवहार का समायोजन स्थापित करते हैं तो वास्तव में हम एक अच्छे इन्वेस्टर हो जाते हैं। मार्केट मंदी वाले के लिए भी अच्छा होता है, तेजी वाले के लिए भी अच्छा होता है, लेकिन हमारा जो व्यवहार होता है वो मायने रखता है कि कितना बढ़िया है। हमारा व्यवहार जितना अच्छा होगा हमारा रिटर्न उतना ही मिलेगा। तो सबसे पहले हमको अपने व्यवहार को भी कंट्रोल करना चाहिए, उसी को सिखाता है। आगे बेंजामिन ग्राहम कहते हैं कि एक गलत निर्णय, कोई भी हम इन्वेस्टमेंट को गलत निर्णय लेते हैं तो हमको गहराई में ढकेल सकता है, गहराई मतलब नुकसान करा सकता है। एक चीज हमको ये जानना चाहिए कि स्टॉक मार्केट में जो पुरस्कार होता है और जो दंड होता है दोनों पैसे के रूप में मिलता है, यानी एक गलत निर्णय पैसे का नुकसान, एक अच्छा निर्णय पैसे का लाभ, यानी पुरस्कार। बाहर की दुनिया में हम कोई गलती करते हैं तो कोई हमको डांट देता है, डपट देता है, लेकिन यहां पर हम गलती करते हैं तो सीधे पैसे का नुकसान हो जाता है, वो पैसा फिर हमको आपको मिलता नहीं। तो कहते हैं इंटेलिजेंट इन्वेस्टर कि एक गलत निर्णय हमको इतने नुकसान पहुंचा देगा, इतने गहराई में पहुंचा देगा जहां से निकल पाना मुश्किल होता है। आप हमारे आप प्यास को बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं जो फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं, या यूं कहें कि बहुत ज्यादा लिवरेज लेकर के ट्रेडिंग करते हैं। वो उनको छोटा दिखता है कि छोटा अमाउंट लगा के बड़ा सौदे करो बड़ा प्रॉफिट, लेकिन उसके पीछे जो बड़ा नुकसान होता है उसको लोग नहीं समझ पाते, जिसकी वजह से भयंकर नुकसान होता है। फ्यूचर में पर डे जो एमटीएम के सौदे होते हैं नुकसान कराते जाते हैं, ऑप्शन जो होता है वो महीने में जीरो हो जाता है, आपके हाथ में कुछ भी नहीं रहता है। तो वो जो नुकसान होता है वो अस्थायी नुकसान होता है, इतने गड्ढे में लेकर गिरा सकता है इसके बारे में समझ पाना मुश्किल होता है। इसीलिए जो बेंजामिन ग्राहम जो होता है वो बार बार अपने लॉस को कंट्रोल करने की बात करता है। मेरा भी अपना कहना है कि स्टॉक मार्केट में सत्या तौर पे लाभ होता है, बस उस नुकसान के तरीकों को हम सीख लें, जो नुकसान के जो रास्ते होते हैं ना उस रास्ते को हम बंद करें। जैसे एक हम घड़ा होता है, घड़े में पानी भर दें उस घड़े में छेद है, रिश्ता रहता है, तो क्या कभी घड़ा भरता है? कभी नहीं भरता। तो सबसे पहले जो घड़े का छेद है यानी जो नुकसान हो रहा है, नुकसान को समझे कि हमारा नुकसान कहाँ होता है, उस नुकसान के रास्तों को हमको बंद करना है। ये जो नुकसान की आशंका होती है, जो रिस्क होता है, जो जोखिम होता है, कोई खत्म नहीं कर सकता है। हाँ, इसको कम ज्यादा किया जा सकता है। हम यदि अपने व्यवहार को, अपने अनुशासन को, अपने धैर्य को, बिजनेस की समझ को, इमोशन को नियंत्रित रखते हैं, व्यवस्थित रखते हैं, तो निश्चित तौर पर हम रिस्क को, जोखिम को अपने नियंत्रण में रखते हैं। अब नियंत्रण में रखेंगे तो जाहिर सी बात है कि फायदा क्या होता है। बेंजामिन ग्राहम कहते हैं कि इंटेलिजेंट इन्वेस्टर होने के लिए बहुत ज्यादा स्मार्ट और कुशाग्र का होना जरूरत नहीं है, बस आप धैर्यवान रहिए, अनुशासित रहिए और लगातार सीखने को तैयार रहिए, आपको बुद्धिमान निवेशक बनाता है। लगातार सीखिए, जो भी गलतियां करते हैं उस गलतियों से सीखना है, उन गलतियों को पुनः दोहराना नहीं है। और जितनी बार अच्छे काम करेंगे निश्चित तौर पर अपने आप आपको फायदा देते हैं। फिर आगे कहते हैं कि वो कहते हैं कि वो स्टॉक वो नहीं है जो दिखता है हमको, स्टॉक मुझे जो स्टॉक में दिखता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल रिलायंस इंडस्ट्री की बात करें 24 रुपए भाव चल रहा है, SBI की बात करें 500 रुपए चल रहा है, HUL की बात करें 2000 रुपए चल रहा है। तो बेंजामिन ग्राहम कहते हैं कि स्टॉक का जो प्राइस दिखता है, प्राइस ही कुछ नहीं होता, वो प्राइस तो एक सिंबल मात्र है, प्राइस तो एक संकेत मात्र है। कहते हैं वास्तव में प्राइस के पीछे जो होता है वो बिजनेस होता है,
जो बिजनेस बढ़ता है तो प्राइस बढ़ता है, बिजनेस स्टॉक प्राइस जो होता है बिजनेस को फॉलो करता है, सिर्फ लाल और नीली बत्ती जलने बुझने का काम नहीं, वो ब्लिंक करता है टनल पर, बहुत कुछ है, बहुत कुछ पूरा बिजनेस है। अब हम एचयूएल का 24 रुपए भाव शेयर देखते हैं, इसके पीछे रिन है, सर्फ है, लक्स है, पता नहीं कितने ब्रांड है। आईटीसी का 200 रुपए का भाव देखते तो सनफिस्ट है, आशीर्वाद है, पता नहीं कितने ब्रांड है। टाटा मोटर्स देखते हैं तो हैरियर है, टियागो है, पता नहीं कितने सारे ब्रांड है। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर वो होता है जो बिजनेस को फॉलो करता है। अभी मैंने कुछ पहले वीडियो बनाया था कि वो व्यक्ति परेशान होता है गिरावट के दौर में जो स्टॉक प्राइस का पीछा करता है, जो बिजनेस को पीछा नहीं करता। हमें बिजनेस को पीछा करना है, बिजनेस को हम पीछा करेंगे तो निश्चित तौर पर हम अपने प्रॉफिट को मैक्सिमम करने की स्थिति में होंगे। हमको बिजनेस आपको पीछा करना है। स्टॉक लेने का मतलब होता है बिजनेस में हिस्सेदारी है, कोई शेयर खरीदते हैं तो बिजनेस हिस्सेदारी लेते हैं। एक जैसे मैं छोटा सा उदाहरण दूं, जैसे लगता है कि मारुति का शोरूम बहुत फायदेमंद है, या यूं कहें कि प्लाईवुड का बहुत बिजनेस अच्छा चल रहा है, हमको प्लाईवुड करना चाहिए, तो हमारे पास कितने रास्ते हैं। हमारे पास एक रास्ता ये है कि हम प्लाईवुड का शोरूम खोलें, किसी प्लाईवुड का होलसेल डीलरशिप जो होता है वो एजेंसी में। दूसरा काम क्या है कि हम प्लाईवुड की कोई फैक्ट्री खोल लें जहाँ प्रोडक्शन का है। मान लीजिए इन्हें दोनों तीनों में यदि आप जाएंगे तो ह्यूज इन्वेस्टमेंट भी हो सकती है। नॉर्मल तौर पर शोरूम भी खोलने जाएंगे ना तो शोरूम में भी 20-25 लाख का इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, नहीं नहीं तो भी होगा तो 8-10 लाख चल जाएगा, उसके रिस्क भी डिले होते हैं। और दूसरा तरीका हम क्या करें, हमारे पास मान लीजिए 10,000-5,000 रुपया ही पड़ा या 1 लाख रुपये पड़ा है, हम उस पैसे से ना तो शोरूम खोल सकते हैं ना हम फैक्ट्री का स्थापित कर सकते हैं। तो हमारा काम क्या होगा कि जो प्लाईवुड की फैक्ट्री अच्छे से काम करे उसके शेयर्स अच्छे से लेकर के बैठ जाए, बाय एट सेट टाइम, यानी कि अच्छे स्टॉक को, अच्छी कंपनी के स्टॉक को बिजनेस में थोड़ी सी हिस्सेदारी करके हम लेकर बैठ जाते हैं और इंतजार करते हैं। जब समय निकलता है तो जैसे जैसे बिजनेस उसका ग्रो होता है वैसे वैसे हमारे 1 लाख की जो वैल्यू होती है वो भी बढ़ती जाती है। और यकीन मानिए इस 1 लाख की वैल्यू यदि जो नॉर्मल ग्रोथ होता है स्टॉक मार्केट में 20-22% के आसपास यदि उससे होता है तो 50 साल बाद उसकी वैल्यू 700 करोड़ की होती है, तो ह्यूज वेल्थ क्रिएट होता है। तो ये बिजनेस है, और एक ऐसा बिजनेस है जो आप तक ही सीमित नहीं होगा, जो हम तक सीमित नहीं होगा, हमारी पीढ़ियों तक जाएगा। यदि आपको लगता है कि हम किसी बिजनेस को ले नहीं सकते, बिजनेस को ओन नहीं कर सकते, उसका स्वामित्व नहीं ले सकते, हम उसको पीढ़ियों को ट्रांसफर नहीं कर सकते, फिर बंद कर दीजिए इन्वेस्टमेंट, बंद करिए। इन्वेस्टमेंट पीढ़ियों के लिए किया जाता है, संपत्ति क्रिएट के लिए। आप ये मान के चलिए कि हम बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं, जैसे होता है ना कहा जाता है कि हम इस पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं, किसी पेड़ के नीचे वो इसलिए बैठे हो कि किसी ने उस पेड़ को लगाया समय से पहले। आज आप तमाम स्टॉक के वेल्थ क्रिएशन का हिस्ट्री उदाहरण देख लीजिए, हैं विप्रो हो, टीसीएस हो, इंफोसिस हो, हैवेल्स हो, टाटा मोटर्स हो, जितने सारी बड़ी कंपनियों को दिखाई देता है बजाज फाइनेंस हो, आज आप उसकी देखिए कि 20-15 साल पहले जिन लोगों ने 10-12 हज़ार रुपये की इन्वेस्टमेंट किया था आज की क्या स्थिति हो, तो हम सोचते हैं कि अरे काश हमारे माँ बाप वो इन्वेस्टमेंट कर दी होती तो आज हमारी क्या स्थिति होती, या हम ही इन्वेस्टमेंट कर दी होती तो क्या स्थिति। तो कुछ समय नहीं गुजरा है, यदि हमको नहीं मिला तो इसका मतलब क्या हम ना करें। इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि हमको क्या मिला है, इम्पोर्टेंट ये है कि हम क्या देके जा रहे हैं, हम करें। आज हम इसका शुरुआत करते हैं तो आने वाली पीढ़ियां बदलेगी। हम समाज को एक बहुत बड़ा वेल्थ देकर के जाएंगे, बहुत बड़ी दुनिया देकर के जाएंगे। तो बिजनेस होता है, इन्वेस्टमेंट होता है, हमको इस तरह से सोच करके इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। आगे कहते हैं बेंजामिन ग्राहम, बाजार एक पेंडुलम की तरह होता है, घड़ी का पेंडुलम देखा है, घड़ी का पेंडुलम ऐसे घूमता है, या वो देखा झूला, झूला घूमता है। तो बेंजामिन ग्राहम कहते हैं कि स्टॉक मार्केट जस्ट लाइक अ पेंडुलम, वो घूमता रहता है। क्या घूमता रहता है, महंगा सस्ता फेयर वैल्यू, महंगा सस्ता फेयर वैल्यू, यानी जो भी स्टॉक मार्केट है एक समय महंगा होगा, फिर वो जाकर के सस्ता होगा, या फिर फेयर वैल्यू होगा, यानी उचित मूल्य पर आएगा। एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर का काम होता है
नीचे सस्ते पे खरीदना और महंगा खरीदना। और जो बुद्धिमान निवेशक होता है, जब पूरे मार्केट में निराशावाद होता है तो वो खरीदारी करता है। उस समय जो साधारण लोग होते हैं, जो सिंपल लोग होते हैं, तो मार्केट में निराशावाद होते हैं, जैसे लगता है कि अब कहां मार्केट जाएगा, जैसे कोरोना का काल चलता है, अब मार्केट कहां जाएगा, कितना नीचे 2020 में 2018 में, उस समय जो इंटेलिजेंट इन्वेस्टर होते हैं खरीदारी कर रहे हैं, और हमारे आप जैसे जो छोटे निवेशक होते हैं वो बिकवाली कर रहे हैं, वो सोचते हैं पता नहीं अब कितना मार्केट नीचे जाएगा, आज जैसे दुनिया खत्म हो जाए निकल जाए मार्केट से, वही मौका होता है उनके लिए खरीदारी करने का। और जब मार्केट चढ़ चुकी होती है, अच्छे खासे लेवल पर आ चुकी होती है, तब जो छोटे इन्वेस्टर्स होते हैं उनको लगता है कि यार मार्केट बढ़ रही है, अब इन्वेस्टमेंट करने लायक होता है, इन्वेस्टमेंट करने लायक होता है, उस समय जाकर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। और वो समय इंटेलिजेंट इन्वेस्टर के लिए, बुद्धिमान निवेशक के लिए बिकवाली का समय होता है। तो वो सस्ते में खरीद के महंगे में बेच देते हैं, जो आशा मतलब उस तरह के काम करते हैं। एक बहुत बढ़िया कहावत है, मार्केट में दो तरह के लोग आते हैं, एक पैसा लेकर के आते हैं जो तजुर्बा लेकर के, दूसरा जो तजुर्बा लेकर के आते हैं पैसा लेकर के। तो जिसको तजुर्बा नहीं होता वो नुकसान करके तजुर्बा लेकर लेता है, और जिसको तजुर्बा होता है वो पैसा लेकर। और तजुर्बा क्या कहता है? तजुर्बा ये कहता है कि जब मार्केट में गिरावट हो, जब निराशावाद हो, तब तब खरीदारी करिए, और जब ऊंचाई पर हो मार्केट बिकवाली करिए। जैसे निफ्टी का लेवल जब 18,000 कुछ के लेवल चला गया था, बिकवाली का समय था, प्रॉफिट बुकिंग का। मेरा तो सबसे अपना मानना है कि सबसे बेस्ट टाइम होता है खरीदारी करने का, जब आपके पास पैसा हो खरीदारी करिए। मान लीजिए हम सस्ते और महंगे को नहीं पहचान पाते हैं, तो सबसे बेस्ट टाइम जब आपके पास पैसा हो, सबसे बेस्ट टाइम में खरीदारी करने का आपके पास पैसा हो। और बिकवाली का सबसे बेस्ट टाइम कब हो? जब आपको पैसे की जरूरत हो, घर में कोई शादी पड़ गई, ब्याह पड़ गई, कोई संकट आ गया, इसमें बेचिए, सबसे बेस्ट तरीका होता है। दूसरा तरीका होता है मार्केट का जो निफ्टी वगैरह का पीई होता है, पीई को ट्रैक करते रहिए। जब बहुत ज्यादा पीई बढ़ जाता है तो मार्केट को महंगा होता है, फिर करेक्शन पे आता है, फिर वो फेयर वैल्यू के आसपास आता है, फिर नीचे जाता है, फिर इसे आप यदि हिस्टोरिकल आंकड़े को देखिए, निफ्टी जब जब 20 के नीचे आया है तब तब आकर्षक खरीदारी होती है, और जब जब 27-28 के ऊपर चला गया है वो बिकवाली का समय होता है। लेकिन अब इधर कुछ सालों में मार्केट का लेवल बदल गया है, अब जो है 30 के ऊपर निफ्टी का लेवल, 30-35 का लेवल जो होता है महंगा का प्रतीक हो चुका है, और यदि 25 के नीचे के आसपास आता है तो खरीदारी का लेवल होता है, यानी सस्ता का लेवल। ये कोई अस्थायी नहीं है, यदि आप पीछे का निफ्टी का चार्ट उठाकर देखेंगे तो आप पाएंगे। तो पीई को ट्रैक करके हम किसी स्टॉक को महंगे और सस्ते का लेवल समझ सकते हैं। उसी तरह से जो ट्रेडर्स होते हैं वो इंडिया विक्स को इस्तेमाल करते हैं सब महंगे और सस्ते दिलाने के लिए। जब विक्स जो होता है 20 के ऊपर चला जाता है, इसका मतलब बहुत ज्यादा वोलेटाइल मार्केट है, मार्केट में गिरावट आएगी, अब यहाँ से निकलना चाहिए। और जब विक्स 15 के नीचे चला जाता है खरीदारी का समय होता है, सबसे बेस्ट। तो पेंडुलम चलता रहता है। एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर का काम है जो ऊपर वाला लेवल होता है ना, जो आशावाद जिसको कहते हैं, जिसमें मार्केट बहुत तेजी होती है, वहां पर बिकवाली करता है, और जहां पर निराशावाद होता है ना वहां पर वो खरीदारी करता है। इसके बाद कहते हैं हमारे जो भविष्य का जो रिटर्न होता है ना, ये इस पर निर्भर करता है कि आज हम कितना प्राइस पे करते हैं, कितना प्राइस पे करते हैं। हम जितना प्राइस अधिक देंगे भविष्य का रिटर्न उतना ही कम होगा, और जितना ही हम कम प्राइस देंगे रिटर्न उतना ही अधिक होगा। हमें देखना होगा ये चीज, मैंने जो कहा ना महंगा और सस्ता, उसको हमको देखना होगा कि जो शेयर हम लेने जा रहे हैं, जिस बिजनेस को हम खरीदने जा रहे हैं, क्या वो बिजनेस डिस्काउंट पर उपलब्ध है, क्या वो बिजनेस फेयर वैल्यू पर उपलब्ध है, क्या बिजनेस अपने फेयर वैल्यू के नीचे ट्रेड कर रहा है। यदि है तो फिर वहां पर खरीदारी करना चाहिए। आगे कहते हैं रिस्क से कोई नहीं बच सकता, रिस्क से हर किसी को होगा, उसके लिए रिस्क से बचने के लिए वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का कॉन्सेप्ट देते हैं। मार्जिन ऑफ सेफ्टी मतलब क्या होता है? जैसे कोई स्टॉक मतलब किसी शेयर को आप रिलायंस इंडस्ट्री को आप 2,000 रुपये पर लेना चाहते हैं, क्या 2,000 रुपये आएगा उससे और नीचे आप लेने, वो आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी रहेगा। इसके अतिरिक्त मार्जिन ऑफ सेफ्टी को आगे चल करके
एक इंट्रिंजिक वैल्यू का कंसेप्ट देते हैं कि हर स्टॉक का इंट्रिंजिक वैल्यू होता है, जो वास्तव में उसके एक शेयर का वास्तविक मूल्य होता है। और शेयर जो होता है कभी ना कभी घूमते फिरते अपने इंट्रिंजिक वैल्यू के आसपास आता है। एक बुद्धिमान निवेशक इंट्रिंजिक वैल्यू के आसपास शेयर को खरीदता है। आगे बोलते हैं बेंजामिन ग्राहम, इन्वेस्टमेंट में जो सफलता है ना वो हमारे अंदर है, किसी और के नहीं है, हमारे अंदर है। सबसे पहले हमको अपने आप को जांचना है। स्टॉक मार्केट में आने से पहले सबसे पहले हमको देखना चाहिए कि हम ट्रेडिंग अच्छा करेंगे कि इन्वेस्टमेंट अच्छा करेंगे, दोनों में से हमको एक निर्णय लेना होगा। तो कहते हैं कि हमारे अंदर है, हम जितना ही अधिक धैर्यवान अनुशासित लगातार सीखेंगे उतना ही बड़े रिटर्न बनाने की संभावना हमारी बढ़ जाती है। इसके दम पर मार्केट की स्थिति कितनी भी खराब हो, कितना भी वोलेटाइल हो, हम उससे निकलने में कामयाब रहे, हम लॉन्ग टर्म में एक बेहतर रिटर्न प्राप्त करते हैं। बार बार बेंजामिन ग्राहम साहस का इस्तेमाल करते हैं। जब मार्केट में निराशावाद हो, भयंकर गिरावट का दौर चल रहा हो, तो साहस होने के लिए पैसा लगा, वो साहस का जो रिवार्ड होता है बड़े रिटर्न के रूप में सामने आता है। उम्मीद है ये जो वीडियो है आपको पसंद आया होगा और बेंजामिन ग्राहम को समझने में आपको मदद मिलेगी। ये तीन पुस्तकें मैंने लिया और तीन पुस्तकों का एक समरी जो शुरुआत है, जो प्रथम अध्याय है, उसका मैंने एक समरी के रूप में आपको प्रस्तुत किया। आगे चल करके जैसे जैसे मैं इस पुस्तक को पढ़ूंगा वैसे वैसे मैं आपको इसके बारे में और डिटेल डालूंगा। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा, जानकारी कैसी लगी बताइए। यदि आप किसी अन्य पुस्तक के बारे में जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना चाहते हैं, स्किल को बढ़ाना चाहते हैं, किसी पुस्तक के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप उस पुस्तक का नाम कमेंट बॉक्स में लिखिए। हम उस पुस्तक के बारे में आपको ब्रीफ नोट बना करके देंगे। ब्रीफ नोट मतलब कि आपको वीडियो बना करके देंगे, जरूरत पड़ेगी तो हम उसका पीडीएफ भी आपको शेयर करेंगे। जय हिंद।